हेलो एंड वेलकम बैक। फिर जिन लोगों ने हार्ट सेल का ऑपरेशन कराया है उनका क्वेश्चन होता है कि व्हाट टू वेयर आफ्टर सर्जरी, क्या पहने आफ्टर सर्जरी के बाद जो कि हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े नहीं, जल्दी ठीक हो जाए और किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हार्ट सेल सर्जरी के बाद किस तरीके का अंडरगारमेंट यूज़ करना चाहिए। देखिए, इसमें पॉइंट को आपको समझना है कि क्यों ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है और इसमें अंडरगारमेंट का बहुत बड़ा रोल क्यों होता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको पसीना बहुत आता है सर्जरी के बाद, तो उस पसीने से इन्फेक्शन भी पैदा होता है और वो इन्फेक्शन आपके जहाँ पर टाके लगे थे, अगर वो टाके कट चुके हैं तो वहाँ पर भी लगता है और लगने से वहाँ पर सूजन आ जाती है कई बार। तो इस इन्फेक्शन को एक अच्छी अंडरगारमेंट बचाती है जिससे कि आपको आगे चल के सूजन ना हो, यानी 10 से 15 दिन अगर आपके ऑपरेशन के हो चुके हैं तो उसके बाद उसमें सूजन ना हो, क्योंकि तब तक तो पट्टी ही लगी रहती है 8 से 10 दिन तक। और जब पट्टी खुल जाती है तो उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि या तो उसमें से कोई पस या वगैरह कुछ आता ना हो, अगर आता है तो उसके बाद भी पट्टी जरूरी है, और अगर उसके बाद पट्टी नहीं हो रही है तो फिर इसमें यह बहुत जरूरी है कि आप हाइजीन कंडीशन को अपनी मेंटेन रखें। उसमें आपकी अंडरगारमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसमें अगर आप ट्रंक को पहनते हैं तो वो एक परफेक्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ट्रंक यानी जो सीधे अंडरवेयर होते हैं वो। इसमें अगर आप एक अच्छे ब्रांड का वी शेप अंडरवेयर यूज करते हैं तो वो एक परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि वो जांघों की अंदर की गहराई तक चले जाते हैं और उससे आगे का एरिया को वो सपोर्ट देकर वहां पर फंगल इन्फेक्शन को स्क्रॉटम पर लगने नहीं देते। यानी जहां पर स्क्रॉटम आगे हैं और जांघें वहां पर है, मान लीजिए एक पैर इधर है आपका, एक पैर इधर है, तो यहां जो पसीना आएगा वो आपके जख्म पर नहीं लगेगा या जहां पर टांके लगे हैं उस पर नहीं लगेगा। यहां पर भी अगर पसीना आएगा तो वो भी आपके इधर पसीने से होने वाला इंफेक्शन वहां पर नहीं होता। दूसरा फायदा एक परफेक्ट अंडरगारमेंट से ये होता है जो वी शेप की रहती है कि वो आपके जो जांघों के बीच में उसके दबने के जो चांसेस होते हैं उसको कम कर देती है, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे की तरफ को उनको रखती है जिससे कि वो दबे नहीं, वहाँ पर प्रेशर ना पड़े और आगे चल के वहाँ पर सूजन या फिर दर्द वाली कंडीशन ना आए। इसके फायदे आपको आगे दूसरे कामों में भी मिलते हैं, जो घरेलू काम है या ट्रैवल है या फिर कहीं जाना है तो उसमें अगर आप पैर ऊपर उठाते हैं या कुछ ऐसे काम है जहाँ पर आपको मेहनत करनी है तो उसमें भी उसके फायदे होते हैं बहुत सारे, उसको मैं अगले वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके लिए परफेक्ट अंडरगारमेंट कौन सी है, तो उसमें आपको एक अच्छे ब्रांड का वी शेप अंडरवेयर लेना चाहिए जो कि ऑपरेशन के बाद अगर आप उसको पहनेंगे तो वो हर तरीके से आपके लिए परफेक्ट है। नॉर्मली जो ऑर्डिनरी ब्रांड्स होते हैं उनसे हटकर ही नॉर्मल आप कोई भी ब्रांड खरीद सकते हैं, जॉकी से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द नॉर्मल एंड पॉपुलर, और सही रेंज में उसमें अंडरवियर भी अच्छे मिल जाते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं, दैट्स गुड ऑप्शन। तो इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर आके अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाकर अपना फीडबैक जरूर दें और अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नाइट अप के साथ, टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।